नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। और इस चैनल पे हम डेली एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं। जी हाँ, शेड्यूल टाइट हो गया है, चीजें बिल्कुल डिसिप्लिन हो गई है। तो जितने भी पुराने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दूं, अब डेली कम से कम दो वीडियो आपके सामने आ रही है। 9:15 पे तो डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस आता ही आता है, और 6 के आसपास में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, किसी स्टॉक का रिव्यू हो सकता है, कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे जरूर शेयर करने वाला होगा। इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने सेगमेंट में दिग्गज कंपनी है, मोनोपोली है कहीं ना कहीं, और उसका जो मार्केट सेगमेंट है बहुत ही अच्छा है। एक स्पेशल तरह के केमिकल्स में वो डील करते हैं, स्पेशल तरह के प्रोडक्ट में वो डील करते हैं, अच्छा खासा प्रोडक्ट लाइन है। कंपनी का नाम भी आपको बता देता हूं, अगर आपको कंपनी का नाम पसंद आए वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, पसंद ना आए तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। कंपनी का नाम है एडवांस एंजाइम्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, इसका पूरा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कंपनी क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, क्या कंपनी सही अट्रैक्टिव प्राइसेस पे मिल रहे हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, इन्फॉर्मेशन को पूरा देखना ही होता है। दोस्तों, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ एंड प्लीज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस दीस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, एक और हम्बल रिक्वेस्ट आपसे मेरी है, YouTube का एल्गोरिथम ये कहता है कि जिस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स होते हैं या कमेंट्स होते हैं, वही वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल को मोटिवेट करना चाहते हैं, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक प्रेस कीजिए, तब चैनल में आगे बढ़ेगा, ताकि हम भी लोगों तक पहुंच सके आपके माध्यम से। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं एडवांस एंजाइम्स क्या कहता है। तो सो इस कंपनी को स्टडी करने के लिए मैंने जिस स्क्रीनर का यूज किया है, दैट इज screener.in, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसको मैं पर्सनली यूज करता हूं, और इसकी वेबसाइट का आप ये आइकन, ये लोगो रहेगा, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, screener.in बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। हम जैसे यूट्यूबर जितने भी अपनी वीडियोज बनाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए डेटा ऐसी ही वेबसाइट से इकट्ठा करते हैं, हम PPT कंपाइल करेंगे, सुंदर सी वीडियो बनाएंगे, आपके सामने प्रेजेंटेशन डालेंगे, आपको लगेगा भाई पता नहीं कहां से इंफॉर्मेशन उठा के ले गया, कहीं से नहीं, सब कुछ डेटा गूगल पे अवेलेबल है। गाइस, मेरी आदत है आपको एम्पावर करने की, मैं चाहता हूं कि जैसे मैं स्टडी करता हूं, जो मेरा स्टाइल है स्टडी करने का, वो आपका भी हो। तो अगर आप भी इस वेबसाइट को यूज करेंगे, कैसे यूज करना है, चलिए इसको देखते हैं। इस स्टॉक की हेल्प से इस वेबसाइट को यूज करना भी सीखने वाले, वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट हां, डेटा कहां से मिलेगा, किस डेटा के ऊपर कहां से रिलाई कर सकते हैं, कहां उसको ट्रस्ट किया जा सकता है, तो दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट्स व्हिच आई ट्रस्ट फॉर माय फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं एडवांस एंजाइम्स के बारे में। अगर आपको पढ़ना हो किसी भी शेयर के बारे में, जाएंगे सबसे पहले राइट साइड में एक अबाउट कॉलम होता है, रीड मोर पे क्लिक कीजिए, उस कंपनी के बारे में काफी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। चलिए देखते हैं कंपनी के बारे में यहां पे क्या लिखा है। कंपनी क्या करती है, एडवांस एंजाइम्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स बनाती है कंपनी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर डालने की कोशिश करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स ओवर 400 प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, 400 से ज्यादा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं, और 70 से ज्यादा एंजाइम्स एंड प्रोबायोटिक्स बनाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स से अगर आपको एग्जांपल देने की कोशिश करो, तो दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, एक ऐसे लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी में भी रहते हैं, हमारी बॉडी को भी हेल्दी बनाते हैं। ऐसे ही कुछ लिविंग बैक्टीरिया, ऐसे कुछ लिविंग एंजाइम्स चाहिए होते हैं किसी किसी इंडस्ट्री को भी, केमिकल इंडस्ट्री को भी चाहिए होते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स को भी चाहिए होते हैं, कहीं ना कहीं न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी चाहिए होते हैं। देखते हैं ये कंपनी क्या क्या करती है, इसका रेवेन्यू कहां से आता है, पूरा डिटेल स्टडी इसमें बने रही है। वीडियो पसंद आता रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाने हैं और वीडियो को लाइक करना है। अगर ह्यूमन हेल्थ केयर की बात की है, तो ह्यूमन हेल्थ केयर से इस कंपनी को 75% का रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू कहां कहां से आता है, ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनीज जो इंडिया में है उन सबको माल प्रोवाइड करती है, नॉर्थ अमेरिका में जाती है, एशिया तक पहुंची हुई है, यूरोप में इसका माल जाता है, और अदर ग्लोबल कंट्रीज को भी इसका माल जाता है। एनिमल न्यूट्रिशंस की बात की है, तो 13% रेवेन्यू वहां जाता है, 75% तो आ रहा है ह्यूमन हेल्थ केयर से, 13% आ रहा है इसका एनिमल न्यूट्रिशन से। उसके बाद जो इसका रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है इंडस्ट्रियल बायोप्रोसेसिंग से। इंडस्ट्रियल बायोप्रोसेसिंग की बात की जाए तो यहां पर कंपनी को आता है 12% का रेवेन्यू। तो इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस को देख लेते हैं, कंपनी कहां कहां काम कर रही है, ताकि हमको समझ में आए कि कंपनी दिग्गज है भी कि नहीं। अगर कंपनी खाली गली कूचे में काम कर रही होती है, कुछ माल बना रही, तो हम समझते हैं चलो यार छोटी मोटी कंपनी होगी, बट ये कंपनी है स्मॉल कैप, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, बट इस कंपनी में स्मॉल कैप कंपनीज को दिग्गज बनने में टाइम नहीं लगता, एक मार्केट कैप्चर करनी होती है। अगर उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड अगर आ जाए, तो समझ के रखिए कि कोई भी स्मॉल कैप कंपनी, कोई माइक्रो कैप कंपनी भी एक टाइम पे बड़ी हो सकती है। अगर पुराने टाइम पे देखने की कोशिश करें, तो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके भाव
भी बहुत छोटे हुआ करते रहे, अब वो भाव कहां से कहां पहुंच गए, कंपनीज कहां से कहां पहुंच गई है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको स्टॉक मार्केट में मिलेंगे जो मिरेकल्स बन जाते हैं। रिसेंटली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो टायर बनाने वाली कंपनी है, वो भी किसी को नहीं पता था, वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी से एक अच्छी खासी कंपनी बन गई और एमआरएफ को टक्कर देती आज की डेट में। इंटरनेशनल प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइन है वो 45 से ज्यादा कंट्रीज में जाता है वर्ल्ड वाइड, 700 से ज्यादा कस्टमर है कंट्री के, बहुत ही शानदार। कंपनी का जो 43% रेवेन्यू है वो तो आता है इंडिया से, उसके बाद अमेरिका से आता है 42%, 7% आता है यूरोप से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8%। मतलब ग्लोबल ये कंपनी काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करने की कोशिश करें तो कंपनी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में रखती है, 2 कैलिफोर्निया यूएस में रखती है। प्रेजेंटली 480 क्यूबिक मेट्रिक फर्मेंटेशन कैपेसिटी कंपनी के पास में है अपनी सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को मिला के। अगर कंपनी के आरएनडी कैपेबिलिटीज को देखने की कोशिश करें तो कंपनी के 5 आरएनडी फैसिलिटीज है, 4 हिंदुस्तान में है, 1 जर्मनी में, 20 से ज्यादा पेटेंट्स कंपनी के पास में जो बहुत ही शानदार है, 100 से ज्यादा साइंटिस्ट कंपनी के पास में है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट इनके पास काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट इसमें काम करते हैं। कंपनी जो अपनी आरएनडी के ऊपर स्पेंडिंग है उसको लगातार बढ़ा रही है, जो 3% से लेकर जो टर्नओवर का टोटल 3% है उसको 3% से बढ़ा के उसको 5% कर दिया FY20 तक आते आते। बहुत ही अच्छा साइन है गाइस कंपनी का। अगर इसमें और देखा जाए तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कैसे कर रही है, कंपनी के पास पैसे हैं, जी हां बिल्कुल कैश रिच कंपनी है, कंपनी एक्विजिशन कर रही है। कंपनी एक्विजिशन के मायने में अगर देखी जाए तो यहां पर कंपनी का जो एक्विजिशन रहा है वो रहा है जेसी बायोटेक। जेसी बायोटेक के अंदर में कंपनी ने 70% स्टेक खरीदा है 50 करोड़ रुपए देके। उसके बाद जो दूसरा नाम कंपनी का निकल के आता है एवोक्स टेक्नोलॉजीज। एवोक्स टेक्नोलॉजीज में कंपनी ने 2017 में 100% स्टेक खरीदा है, कितना, 55 करोड़ रुपए देके। और एक और यहीं पे इनका एक्विजिशन का सिलसिला नहीं रुकता है गाइस, एक और कंपनी इन्होंने एक्वायर कर डाली वो है स्काईटेक स्पेशलिटीज। स्काईटेक स्पेशलिटीज, जी हां स्काईटेक स्पेशलिटी में इन्होंने 51% स्टेक ले लिया है, 51% स्टेक लिया है, कितने रुपए देखे, 31 करोड़ रुपीज में। तो 3 एक्विजिशंस इस कंपनी ने कर डाले हैं, तो कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रही है, अपने सेक्टर को एक्सपैंड करना चाहती है। चलिए यहां से चलते हैं इस कंपनी के और इंपॉर्टेंट रेशियोज के ऊपर में जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग। कंपनी का मार्केट कैप, 3,800 करोड़, तो कंपनी एक कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कंपनी है। कोई बात नहीं, स्मॉल कैप कंपनी ही कल को बड़ी बनती है। करंट मार्केट प्राइस है, आज की क्लोजिंग है 348 रुपीज की, हाई रहा है 504 रुपए का, 297 रुपए का लो भी लगा है, 300 रुपए से नीचे नहीं गई है, तो ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे मिल रही है कंपनी। स्टॉक का पी 27 का है, इंडस्ट्री का पी है 28.3 का, फेयर एनफ। फेस वैल्यू है 2 रुपए की, कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन कर रही है 16% के आसपास की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कर रही है 22% के आसपास का। कंपनी का ईपीएस भी ठीक ठाक सा है 12.8 के आसपास में, इंट्रिंसिक वैल्यू 259 रुपीज की। फ्री कैश फ्लो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पिछले 5 साल का फ्री कैश फ्लो 552 करोड़, पिछले 3 साल का कैश फ्लो 350 करोड़ के आसपास में, 7 साल का फ्री कैश फ्लो 682 करोड़, 10 साल का कैश फ्लो 756 फ्री कैश फ्लो का। इस कंपनी के पास में आज की डेट में कुछ 17 करोड़ के आसपास का डेट है और उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास में कुछ 300 करोड़ का फ्री कैश पड़ा हुआ है, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसको देखने के लिए हम यहीं पे रह सकते हैं। कंपनी के अगर हम एनालिसिस करें इस वेबसाइट पे, तो एनालिसिस पे अगर आप जाएंगे तो यहां पे आपको दिखाई दे कंपनी ने अपनी डेट को रिड्यूस किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जो कंसर्न का वजह है वो कभी कभी ठीक है नेगलिजिबल है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। कंपनी का स्पोर्ट सेल्स ग्रोथ है 11.5% के आसपास में, पिछले 1 साल से कंपनी गिर रही है, बट कंपनी के पास कैश फ्लो है, कंपनी कभी भी नए सरप्राइजेस कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी गिरी है, पर प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। इस प्रमोटर होल्डिंग को समझते हैं, अगर प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करने की कोशिश करें, देखिए यहां पे क्या होता है कि होल्डिंग 2 हाथों में होती है। होल्डिंग हैंड्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड, एक होता है हमारा वीक हैंड। स्ट्रॉन्ग हैंड में कौन कौन आता है, स्ट्रॉन्ग हैंड में आएंगे हमारे प्रमोटर एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से आ सकते हैं, FIs आ सकते हैं, DIs आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ सकते हैं, बैंक्स आ सकते हैं, और वीक हैंड्स को हम कहते हैं पब्लिक। अगर पब्लिक के पास माल है तो उसको वीक हैंड में माना जाता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग हैंड से, इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग हैंड से इक्विटी निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रही है तो ये पॉजिटिव है। अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स से निकल के जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो वीकर हैंड्स में जा रहे हैं तो ये एक कंसर्न का विषय हो सकता है। तो क्या यहां पे स्ट्रॉन्ग हैंड चेंज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पे हम चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे है, ये हमारा प्रमोटर का शेयर है, ये FIs का शेयर है, ये DIs का और ये पब्लिक का। देखिए प्रमोटर का जो 57.31% के आसपास का जो स्टेक हुआ करता था वो रह गया 52.7% कब से, जून 19 से
दिसंबर 21 के आसपास आ गए, जबकि पब्लिक के पास में 23% का 22% के आसपास, मतलब कंपनी जो पब्लिक है वो 22% के आसपास मेंटेन कर रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड्स वगैरह की अगर बात करें तो DIS 8% होल्ड करते थे, जो बढ़ के 8.99% के आसपास हो गया, जो बढ़ ही रहा है। देखिए 7.32, 8.46, 8.66, पहले 6.28 हुआ करता था, तो ये बढ़ रहा है। FIIs की अगर बात करें तो 11% जहां इनके पास 2019 में हुआ था, दो साल में उन्होंने 11% को बढ़ा के 16.39% के आसपास बढ़ा दिया। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं, FIIs का क्या स्टाइल होता है काम करने का समझिए। किसी भी कंपनी के अंदर में वो पहले स्मॉल स्टेक लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली दे इंक्रीज द स्टेक। तो जैसा आपने देखा 11% से बढ़ के अब आके वो कहीं कहीं 16-18% आने वाले टाइम में 20-25% भी हो सकता है। अगर उनको लगता है कंपनी के बिजनेस मॉडल में कुछ खासियत है तो कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टॉक, पिछले दो साल में ये स्टेक बढ़ा है गाइस, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पब्लिक के पास तो उतना ही माल है, FIIs बढ़ा रहे हैं, DIIs बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ने अपने अंदर पोजिशंस लिए हैं, तो हो सकता है इनका एक कॉन्फिडेंस है इस कंपनी के अंदर में कि हाँ ये कंपनी कुछ परफॉर्म कर सकती है। तो FIIs से बातें हैं तो किसी कंपनी को वो कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हैं, वो भाव कुछ भी बन सकते हैं। सेगमेंट समझ में आना चाहिए, प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, तो यहाँ पे FIIs काफी इंटरेस्टिंग दिखाई देते हुए, तो यहाँ पे FIIs की पोजीशन बहुत ही अच्छी है। और अगर कंपनी के पीयर्स को देखें भी टक्कर कौन दे रहा है, टक्कर में कोई आता है क्या? टक्कर अगर देखने की कोशिश करें तो जितनी भी शेयर्स हैं वो सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, पिडलाइट हुआ, SRF, ये सब केमिकल के हैं, बट ये वो अलग तरह के स्पेशलाइज केमिकल्स के अंदर में, जिसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। बट एडवांस एंजाइम जो 8वें रैंक पे था, बट ये ऑलमोस्ट मोनोपोली है गाइस, दिस इज मोनोपोली, ऑलमोस्ट मोनोपोली, अपने सेगमेंट में काफी अच्छा मार्केट शेयर है, तो इसको प्योर मोनोपोली अगर ना भी कहें तो कहीं ना कहीं इसके कोई हमें प्योर या कंपेरिजन नहीं दिखाई देते, तो ये कंपनी मुझे इस रडार पे भी समझ में आती है। और अगर इस कंपनी के हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, साल दर साल 2011 से लेकर 2021 तक आते आते कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है, ये सोच के 2011 से आते हैं 2021 तक, पिछले अगर 2-3 साल की बात करने की कोशिश करें तो सेल्स को देखें तो सेल्स जहां 420 करोड़ की 2019 में हुआ करती थी, 440 करोड़, 502 करोड़, पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये माना जा रहा है 535 करोड़ की कंपनी सेल्स करेगी। एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो ये भी 200 करोड़ के आसपास में कंपनी मैनेज कर रही है, विच इज फेयर एनफ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर देखी जाए बात तो 46% के आसपास का, 40% प्लस के आसपास का कंपनी हमेशा से मार्जिन मेंटेन करती आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। तो मेरे हिसाब से यहां पर भी कोई हमें गड़बड़ नहीं दिखाई देती है। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की अगर बात करने की कोशिश करें, टैक्स देने से पहले कंपनी के पास क्या प्रॉफिट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी देखिए 180 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास में बैठी हुई है। नेट प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद भी कंपनी के बाद में 150 करोड़ के आसपास का, 140 करोड़ के आसपास का कंपनी प्रॉफिट मैनेज कर रही है, तो कंपनी कहीं ना कहीं सही है। अर्निंग पर शेयर भी इसका कंपनी का लगातार बढ़ते हुए 1% से लेकर अर्निंग पर शेयर 12.76 तक आ चुका है। और यहां कंपनी की अगर एनुअल सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए, रिटर्न जो कंपनी दे रही है उस पर अगर नजर डालने की कोशिश करें, तो ये देखिए ये एरिया हमको देखना होगा। पिछले 12 महीने में कंपनी 18% के आसपास की सेल्स ग्रोथ रजिस्टर कर रही है, पिछले 3 साल की 9% हुआ करती थी, और तो कंपनी पिछले 12 महीने में कहीं ना कहीं काम कर रही है, सोचिए काम कर रही है, इसका रिजल्ट आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी पिछले 12 महीने में 4% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है, 3 साल का पिछले 17% के आसपास है, 10 साल की कंपाउंडिंग जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 24% का कैगर उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पिछले 1 साल से कंपनी गिर ही रही थी। आरओई की बात करें तो आरओई डिस्कस कर चुके हैं, 16% का आरओई है, जो फेयर एनफ दिखाई देता है, मुझे इसमें कुछ खास दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई देती। तो गाइस मेरे हिसाब से एडवांस एंजाइम्स बहुत ही अच्छी कंपनी हो सकती है, अगर इसके हम चार्ट के ऊपर एक नजर डालने की कोशिश करें, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। सो लेट अस गो टू द चार्ट एंड फाइंड आउट कि कंपनी कहां से कहां आ चुकी है। इस पे दो तरह की एवरेजिंग मूविंग एवरेज लगी है, येलो कलर की है, दिस इज 50 DEMA एंड ब्लैक वन इज 200 DEMA मूविंग एवरेज। अब यहां से देखिए कंपनी पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखे तो कंपनी यहां आके बॉटम पे आ चुकी है, बट अगर इस पॉइंट की बात करने की कोशिश करें तो कंपनी 50 DEMA से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, जो कंपनी शॉर्ट टर्म में एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। और बॉटम अगर देखिए जिस जो स्लोप को देखने की कोशिश करें, जिस स्पीड से जिस मोमेंटम से कंपनी गिर रही थी वो कहीं ना कहीं थमता दिखाई दे रहा है गाइस, और यहां पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बनती दिखाई दे रही है। इसको चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा
दिखाई देगा। तो यहाँ 50 DMA क्रॉस हो रहा है, पहला पॉजिटिव साइन है, कंपनी डेट फ्री है, कैश पड़ा हुआ, बहुत अच्छी कंपनी है और अपने सेगमेंट में काफी अच्छा मार्केट शेयर है, काफी अच्छी ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी के पास में, प्रोडक्ट लाइन अच्छी है। तो यहाँ पे जैसे ही कंपनी 200 DMA से ऊपर में आएगी आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वंस कंपनी क्रॉसेस 200 DMA ये सबकी नजर में आ जाएगी, ये कंपनी के लोग कहेंगे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होगा, ब्रेक। अभी कंपनी कहां मिली, बिल्कुल बॉटम के आसपास पर, 300 रुपए के आसपास में भाव अभी चल रहा है, 348 के आसपास में, 297 का इसका लाइफ टाइम लो है, ईयर लो है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये काफी अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन सही है, इंडस्ट्री के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करने की कोशिश करें तो वो भी सही दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से आपको इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल लेना चाहिए, इसके ऊपर स्टडी कीजिए, दिमाग लगाइए, चार्ट एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, अगर कंपनी पसंद आती है यू कैन काउंट ऑन दिस कंपनी। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में किसी और में मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अब तो आप लाइक प्रेस कर ही सकते हैं, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हम और आप डेली मिल सके। कैसे, डेली 2 वीडियो के साथ में, कोशिश करो 2 वीडियो देंगी, एक डेली की वीडियो आपको 6 बजे के आसपास में, दूसरी मिलेगी 9:15 पे, मार्केट का एनालिसिस करने को मिलेगा 9:15 पे, और इंटरेस्टिंग वीडियो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो एट 6 o'clock। सी यू इन सम अदर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।